वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर वीडियो। तो आज फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं राहू गांव पर और फिर वहां पर हम चम्मल पे आपका कुछ दर्शनीय स्थल दिखाएंगे जो आज के समय यहां पर काफ़ी भीड़ होती है। और फिर चलते हैं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो जब तक के लिए। गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, मेले में जा रहे हैं, मेले में जलंधर। पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, जरा टंकी में फुल पेट्रोल करवा लें। ये देखो लव कुछ सारा एक गड्डी निकालने वाले हैं जेब से, पीछे वाली से सारे पैसे भरे हैं इसमें। आ चुके हैं जो पीछे थे, पेट्रोल डला लिया और अब चलते हैं यहाँ से। हमारे साथ हैं हमारे नीतीश भैया और ड्राइवर हैं लव, चल रहे हैं अपने अपने सफर पर। चलो मिलते हैं फिर आगे। कच्ची सड़क स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट 2 मिनट्स और हम पहुंच चुके हैं गांव के अंदर, राहू गांव के अंदर। यहाँ पे हमारी एसी चालू हो चुकी है जिससे पेट्रोल की खपत कुछ ज्यादा आ रही है। एसी देख रहे हैं आप, एसी का माहौल ये देखो आप। एसी प्रारंभ हो चुकी है, गांव के अंदर आ चुके हैं, राहू गांव के अंदर। यहाँ से कुछ दूर और है। तेरी झलक का सर भी कच्ची रहा। आराम से चलो भाइयों, आराम से। ये हमारी मित्र मंडली है जो कि पीछे रह गई थी। फिलहाल तो आगे चल रही है भाई। रास्ता का कुछ ऐसा है, पता नहीं कैसा है, आगे बताते हैं। सब ऐसा है, बताते हैं सब लोग कि ऐसा है वैसा है, हमको नहीं पता कैसा है। हम कहाँ थे, ये रास्ता कुछ खराब है। यहाँ से गाड़ी घुमा ली गई है, गाड़ी को घुमा के फिर से वो आपको दिख रहा है वहाँ से, वो आ रहे हैं उसी रास्ते से जाएंगे। पर संभावना अनुसार फिर से बैठ जाते हैं गाड़ी पर। गर्मी इतनी है कि क्या बताएं आपको। तो गाइस यहाँ पर धूप में पड़ गए हैं काले और भूख में खाने के पड़ गए हैं लाले। वीडियो ये देखो, इन्हें ज्वर पीड़ित व्यक्ति को जानते हो आप, तो समस्या इन्हें अब ज्वर पीड़ित। तो यहीं से देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है। और अपन चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री से ऊपर है, 45 डिग्री से कम लग रहा है।
ये देख सकते हो आप, काफी मात्रा में भीड़ है यहाँ पर। ये है नदी जिसे राहु के नाम से जाना जाता है। कुछ दूर आगे देखो ये काफी दूर तक फैला हुआ है। आ चुके हम सभी अपने जो स्थान पर आ रहे थे, वो देखो वहाँ पर काफी भीड़ हो रही है। और रितेश भाई, इनको काफी गर्मी लग रही है। झुंझुनवाला, झुंझुनवाला जी के यहाँ पर आए हम। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। भाई साहब, ये बारी भयंकर भाई, ठंडी चल रही है, जानो लग रहा है आपका। बका बका गए, बोल बका बका देवी की जय। मैंने सुना है इस पानी में नहाने, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दो जब तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, इससे आने वाली पहली वीडियो का नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, देखते हैं भीड़ गई है। और आज हम आपको बता दें यहाँ पर मेला दिलों का गुर्जर को पकड़ने के लिए मेला लगाते हैं लोग, वो मेला यहाँ लगा है, लेकिन रूपा वूपा का आता पता नहीं है। रूपा भी मिलेगी, गुर्जर भी मिलेगा। ये देखो कुछ इशारा इनके द्वारा, और ये देखो ये हमारा छोटा गुर्जर डायरेक्टर। गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, आप देख रहे होंगे गाइस यहाँ पर भीड़, भीड़ का नजारा। हम यार लेट हो गए यार आने में बहुत ज्यादा, वरना यहाँ पर हमसे पहले भी बहुत लोग आ गए हैं और बहुत लोग चले गए। मेला भी अब ख़त्म ही हो गया है पूरा, लोग बाग ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी इतने तो होंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आपको भी नहाना है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो में कमेंट में बताएं कि आप सुबह जल्दी आते तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। अब तो 1 बजे गए और 1 बजे फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। अगर पूरा माहौल पत्थरों का है, पत्थरों के बीच में से निकली है चंबल नदी, और ये है राहु गांव था, इसके यहाँ पे पड़ता है राहु गांव में ये एक घाट है, इसको कहते हैं राहु घाट, और यहाँ पे लगता है मेला राहु दशहरे के दिन। आज दशहरा ही है दोस्तों। चट्टाने देख रहे हैं दोस्तों, आते बहुत ज़्यादा पत्थर हैं यहाँ पर दोस्तों। फाइनली अपन आ चुके हैं गाइस, देखिए संगाती खड़े हमारे, भीड़ बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़। ये देख सकते हो आप, मेला टाइप का लगता है यहाँ पे, मेला टाइप का क्या, मेला ही लगता है पूरा। फैन फॉलोइंग अपनी बहुत है, अपने पीछे आगे बहुत सारे बंदे पड़े हैं। सो गाइस नहाने का जो कंफर्टमेंट था जो पूरा हो चुका है, हम यहाँ पे नहा लिए हैं, जो माना जाता है कि यहाँ पे आके पर्व लिया जाता है, लेकिन हमने 2 बजे के टाइम पर्व लिया है, और चलते हैं अब आगे की ओर। और मेला तो आपको मैंने
पहले दिखाई दिया था। गाइस यहाँ पर बहुत मेला था लेकिन हम लेट हो गए तो कोई नहीं मिला, मिल तो बहुत गए थे फिर भी रास्ता अच्छा नहीं है तो हम। ज़्यादातर मुझे जो देखने को मिला है यहाँ पे तो मैं क्या बताऊँ आपको, देखने का माहौल यह है कि यहाँ पे आके लोग ज़्यादातर कचरा फैलाते हैं। मेरा सभी उन लोगों से निवेदन है जो यहाँ पे आते हैं, कृपया कचरा कम फैलाएं और नदी से थोड़ा दूर कचरे को फैलाएं। दार्शनिक स्थल पर आते हैं और कचरा फैलाना एक गलत बात है। अभी भी आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक भीड़ है, फिर भी दिन के 2 बज चुके हैं और यहाँ पर शाम तक ऐसी ही भीड़ बनी रहेगी। और चलो आगे चलते हैं, आप देख सकते हो पत्थर ही पत्थर है चारों बगल और बीच में से दूध धारा बह रही है। हम नहा भी लिए और यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से हवा चल रही है गरम गरम, और यहाँ का माहौल है जो एकदम अब गर्म है, उसमें से नदी में से निकलने के बाद बहुत ज़ोर से गर्मी और लग रही है। अब यहाँ से सीधे जाएंगे घर के लिए हम, और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को फुल वॉच करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे मुझे इसलिए देख के चलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ पत्थर है यहाँ पे बहुत सारे, मैं गिर गया तो मेरा और मेरे चेहरे का कुछ भी हो सकता है। सो मेरा निवेदन है आप सभी से, आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। बदल भी हुए हैं थोड़ा लेकिन काम नहीं है। अब हमारे 2 मित्र और आ चुके हैं, इनके नहाने की बड़ी दिलचस्पी है लेकिन ज़्यादा काम हो चुकी है, फिर भी इनकी व्यवस्था करते हैं। चलो कैसी लगी फाइनली हमारी आपको वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये यहाँ तक की थी आज की पूरी वीडियो, यहाँ पर ख़त्म होती है और मिलते हैं इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना जिससे आने वाली पहली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सिर्फ आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू वीडियो के साथ। आप बाय के लिए बाय।